लेटस और स्वीट कॉर्न। जनाब होने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ खासियत बता सकते हैं? एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, वहाँ पे रात को सोया था तो मेरी जेब कट गई है। आने के लिए उत्सुक थे तो भी सोच के बैठो, मुझे मेरे होटल से कॉल आया है, आपको साथ में नहीं बिठाना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है मेरा सेकंड डे और मैं शॉर्ट्स में डालते था तो आप शॉर्ट्स पे जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो सेकंड डे है आज, तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्रश करने और सॉरी यार बाल थोड़े खराब हो रहे हैं, सो को उठे ना भी। कुछ पूछा मैंने कुछ मतलब काफ़ी देर उठ गया था मैं सो के, एडिटिंग कर रहा था तो अभी भी एडिटिंग चल ही रही है, अभी मुकम्मल नहीं हुई। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। तो अभी क्या करते हैं, अभी ब्रश करूँगा, ब्रश व्रश करके थोड़ा फ्रेशन अप होऊंगा, फ्रेश अप होकर सीधे नीचे जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे भी ब्रेकफास्ट में क्या है। वीडियो में आप बने रहिए। निकल गया हूँ होटल रूम से, ब्रेकफास्ट एरिया में चलते हैं। सो चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट का रेस्टोरेंट जहाँ पे लंच वंच सभी होता है। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या 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 मिलेगा आज। सर ये टी है, टी गुड मॉर्निंग, ये कॉफ़ी हो गई। ओके कॉफ़ी लें, देखते हैं पहले और थोड़ा सर्वे कर लें। वहाँ पे मिल जाते हैं आपको सैलेड, स्वीट कॉर्न भी है। अच्छा जी स्वीट कॉर्न, बाकी सब आप ये नाम पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी चॉइसेस रखी हुई हैं इन्होंने सैलेड्स में, लो फैट कार्ड पेचम और सब लिखा हुआ है, तो आप इसको देखना चाहो तो पॉज करके देख सकते हो गाइस। आप चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे आपको वही केलॉग्स और कॉर्नफ्लेक्स ये सब चीज़ें स्पाइसेस वाइसेस थोड़े से मिल जाते हैं, कोल्ड मिल्क हॉट मिल्क, अच्छा है नाइस, अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, ग्रेट। चलते हैं दूसरी तरफ, ये हो गया मफिन, मरीना मफिन, सब मफिन से रिलेटेड, डोनट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, बनाना केक है फैमिली नहीं है। एंड ये यहाँ पे पराठे बन रहे हैं और ये भैया बना रहे पराठे, पराठे बनते हैं। और यहाँ पे क्या बन रहा है, पराठे छोले भटूरे भी, पराठे छोले भटूरे, वाओ सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, अमेजिंग। ठीक है ये जूसेस मिल जाते हैं, इसमें आप देख सकते हो एक पाइनएप्पल है, वेनिला है एंड सिमल्टेनियसली वाटरमेलन है, फ्रेश इसमें वाटरमेलन ही है ना, वेनिला शेक, अच्छा शेक है ये वेनिला मिल्क शेक, ग्रेट। यहाँ पे आप पोर कर सकते हो और अपना आप इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं, ये हमें मिल जाता है डोसा काउंटर, यहाँ पे डोसा बनता है। मैम यहाँ डोसा बनता है और क्या बनता है, डोसा एंड ऑमलेट, डोसा एंड ऑमलेट, तो यहाँ दो चीज़ें बनती हैं, डोसा एंड ऑमलेट एज पर योर चॉइस। डोसा में आप क्या करवाना चाहते हो आपके चॉइस पर निर्भर रहेगा। तो ये चीज़ हमने कवर कर ली है, उसके बाद बचता हमारा मेन कोर्स, मेन जो नाश्ते का होता है जिसमें हमें ये मिलता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ब्रेड मिल जाएगी, टोस्ट कर सकते हो आप, ठीक है ना। और उसके बाद ये आपको वड़ा पाव टाइप कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। और शुरू करते हैं हम यहाँ से, ये हमें मिल जाता है सांभर, माई फेवरेट कोकोनट की चटनी। तो ये कुछ ऐसा है जी, किताब किताब। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं, ये आपको मिल जाती है इडली, इडली कुछ ऐसी है। उसके बाद चलते आगे मिल जाते हैं छोले, छोले वहाँ पर बड़ा भारी है ये, ग्रेट। छोले कुछ ऐसे हैं, आप निकाल सकते हैं अपना आराम से एज पर योर नीड। उसके बाद ये वेजिटेबल सूजी उपमा, उपमा भी है, ग्रेट। ये मुझे अगर देखा जाता ऐसा लग रहा है कि कोकोनट की चटनी को गाढ़ा कर दिया हो। मसाला पाव मिल जाता है आपको, जिसमें आप ही देख सकते हो पाव है, हॉट में मसाले हैं, मसाला पाव। ये ब्रेड पकौड़ा, अच्छा जी ब्रेड पकौड़ा भी, अच्छा जी हमें पनीर पकौड़ा मिल जाता है, मजा आ जाए हमारे। बात तो सही है।
राइस खीर, ये राइस खीर नाइस, खीर तो मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो क्या नाचोगे? उसके बाद ये आता था पोहा। हमारे स्कूल में हमारी टीचर थी शेरा, में उनको पसंद था पोहा। पोहा तो खैर मुझे तो नहीं पसंद, लोगों को वो होता है पसंद, मुझे नहीं है। उसके बाद इस सेक्शन पर आ जाते हैं जिस पर आपको मिल जाता है ग्रिल चिकन। तो नॉनवेज तो हम खाएंगे नहीं, ठीक है ना, मन नहीं है अभी नॉनवेज खाने का। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये घी एग रोस्ट, ये कुछ ऐसा है। नाइस, ये भी ठीक है, अच्छा है, पर ये मुझे पसंद नहीं था ज़्यादा, पता नहीं है। पास्ता एंड टमाटो बेसिल सॉस, ये है ना मजे की बात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये अभी ये खाएंगे हम, ये भी निकालेंगे, इनके पास चॉइसेस अच्छी हैं, ग्रेट, काफ़ी अच्छी चॉइसेस हैं, मज़ा आ गया। चलो अभी इसको थोड़ी देर में खाएंगे, है ना। और सॉल्टेड क्या, सॉल्टेड कॉर्न, ओके। तो प्याज व्याज है तो वो सैलड वाले ले लेंगे, उसमें प्याज व्याज नहीं है, वो ले लेंगे। यह मिल जाता है रोस्टेड पोटैटो, और ये भी कुछ खास नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं कहूँगा नहीं, मेरी तो चॉइसेस लिमिटेड है, सबको पता ही है। फिर ये पता नहीं मैं इसका नाम प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, पोरिटेज, पोरिटेज ऐसा है, खीर जैसा लग रहा है मुझे देखने में शक्ल तो, ठीक है ना। तो चलते हैं लास्ट इस पे, बेक्ड बीन्स, राजमा हो गया, राजमा वही है राजमा। अब मैंने आपको सारा बुफे दिखा दिया है, अब लेता हूँ कि मैं क्या ले रहा हूँ, और जो जो मैं लूँगा वो थोड़ा बहुत आपको दिखा भी दूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जो भी मैं लेता हूँ उसके बाद फिर जो मेरे प्लेट पे होगा मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने क्या क्या लिया है। शुरुआत मैं भी कर रहा हूँ इससे, है केलॉग्स, अभी शुरुआत मैं इससे करूँगा, फिर ऐसा ऐसा देखेंगे क्या ले सकते हैं। दो तीन ऑप्शन तो अपने निकाह में हैं, वो ले लेंगे और आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो लेकिन लिया पहले मैंने ये है हॉट मिल्क विद चोकोस, उसके बाद देखते हैं क्या चॉइस होगी, फिर वो उसके हिसाब से लेंगे। थैंक यू। ये आपका नाम क्या है? रविंदर सर। तो ही इज़ हेल्पिंग मी, असिस्टिंग मी, काफ़ी चीज़ें मुझे पूछनी थी तो सर ने बताया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। करते हैं ये शुरू, करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। मेरी नेक्स्ट डिश ये है जिसमें मेरा ये मेरा फेवरेट लेटस और स्वीट कॉर्न, अभी ये लेते हैं। उसके बाद कॉफ़ी आ रही है एक हॉट चिल्ड, क्या बोला तूने? मतलब कॉफ़ी आ रही है एक स्टीम हॉट, तो मैंने उनसे कही वो हॉट कॉफ़ी लेके आएंगे, वो कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद देखते हैं वो क्या ले सकते हैं। आ गए अपने कॉफ़ी, सह लेंगे थोड़ा सा। तो मैंने लिया है ये पास्ता और ये बनाना केक और ये मफिन एक, और बनाई ये प्लेन डोसा क्रिस्पी विद कोकोनट की चटनी, और ये अपनी कॉफ़ी तो ये रखी हुई है, और एक आलू पराठा और पनीर पराठा दोनों का कंबाइन आ रहा है, मतलब आलू पनीर पराठा आ रहे हैं वो ऑन द वे है। एक पनीर पराठा है, हाँ सॉरी सॉरी प्लेन नहीं है, पनीर पराठा है। ये आ गया अपना पराठा, लेकिन मैं ये दोनों चीज़ें खाऊंगा, पराठा चाहिए, फैटिंग करती है, ये भी फैट वाला है, लेकिन एक खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बटर और ये पता नहीं क्या है, चाह रहे क्या है, ये दोनों मिल नहीं खा रहा, फिर भी ये ख़त्म करूँगा। चल झूठा। ये आ गए मेरे छोले और ये भटूरा, भटूरा एक ही देते हैं, ये दोनों देते हैं एक बारी में, तो खा के देखते हैं, अरे सही होगा, खास नहीं होगा, ठीक ठाक ही होगा, ये खा के देखा है मैंने, इतना कुछ बढ़िया नहीं है, ठीक है बस, सो सो है ये। A few moments later. So guys, अब breakfast वेकफास्ट सब कुछ हो चुका है मेरा, अब मैं freshen up होने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद फिर निकलते हैं, देखते हैं रॉक गार्डन जाएँ, रोज़ गार्डन जाएँ, या फिर सुखना लेक, देखते हैं क्या चीज़ कवर कर सकते हैं। तो ये तीन ही जगह हैं जहाँ पे जाना है, तो कैसे प्लान आउट करते हैं, कैसे रहता है, क्या रहता है सीन, तो वो देखते हैं, आज का प्लान कुछ ऐसा है। तो जल्दी से freshen up होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, फिर निकलते हैं, ठीक है। जस्ट चेक इट आउट द व्यू, बारिश हुई थी ना सुबह, क्या व्यू है, मज़ा आ गया। ये देखो आप कितना प्यारा लग रहा है, इट्स सो डैम ब्यूटिफुल, सीनरी इज लुकिंग राइट नाउ फ्रॉम माई होटल रूम, परफेक्टली ऑसम, देखो आप, वाओ, लाइक सीरियसली वाओ।
Damn beautiful. Wow. A few moments later. So guys, हो गया हूँ मैं ready और मैं जा रहा हूँ Rose Garden और लगभग आधा घंटा लगेगा मुझे वहाँ पहुँचने में, तो 12 बजे तक पहुँचूँगा लगभग। तो Rose Garden चलते हैं और वो थोड़ा explore करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। ये देखो guys, icon जो मेरे बचपन में आती थी गाड़ी, और दिल्ली में नज़र नहीं आती, वो 15 साल का टाइम है ना, 15 साल के बाद गाड़ी चेंज करनी होती है। ये होगी 20-22 साल पुरानी गाड़ी। और ये सेंट्रो जिप ड्राइव, ये भी मेरे पास थी, पापा के पास मेरे, जब मैं बहुत छोटा था। ये दोनों बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं, यहाँ देख के इन दोनों को अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी मुझे आज तक अब रख। ये ले। इतनी खुशियाँ। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ Rose Garden में। अंदर चलते हैं और बताते हैं क्या है कैसा है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री फ्री है, पार्किंग फ्री है, जैसा अपना Lodi Garden है ना, वैसे ही है काइंड ऑफ। तो अंदर चलते हैं। अच्छा सो गाइस, ये देखो, ये है Rose Garden। अभी चलते हैं, आपको उसका बोर्ड दिखाते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है गाड़ी पार्क करने के लिए, और वो पार्क हुई हुई अपनी सेल्टॉस, वो पार्क हुई है। तो चलते हैं अंदर और बताते हैं आपको कैसा है क्या है। यहाँ पे आपका सामान मिल जाएगा, जैसा आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और रेड पत्थरों से इसमें इसकी बाउंड्री बना रखी है Rose Garden की। और अंदर एंट्री जैसे कि मैंने आपको बताया फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप अपने फैमिली के साथ आ सकते हो, कपल्स हो तो भी आ सकते हो और इस एरिया को एंजॉय कर सकते हो। देखो ब्यूटी देखो, आप जस्ट क्या ब्यूटी है, ये देख रहे हो आप, देखो क्या लग रहा है, फैबुलस, माइंड ब्लोइंग। यहाँ पे कुछ कैमरामैन मिल जाते हैं, जैसे आप तो जो है वो फोटो खिंचवानी है तो खिंचवा सकते हैं। और आप लोग देखे होंगे ना, सारी बाइक्स हैं, ये आप देखो कि सारी बाइक्स हैं, ये सब ऑनलाइन बुक करते हैं, पे करते हैं, और फिर आदमी को जो है, जो भी बंदा बुक करता है वो राइड कर सकता है। तो ये ऑनलाइन पेमेंट से होती है, QR कोड स्कैन करके इनके एप्लीकेशन से स्मार्ट बाइक की, देन यू कैन राइड इट। तो शिवम भाई हमारे साथ हैं और ये यहीं के लोकल हैं, तो मुझे गेट पर मिल गया तो मैं तो पूछ लेता हूँ, यहाँ पे कुछ खासियत बता सकते हैं क्या है, कब से था, कब से बना है, कुछ थोड़े हिस्ट्री आप अगर बता सकें मेरी ऑडियंस को। ये तो मुझे नहीं पता कब बना है, पर इतना पता है कि ये Rose Garden एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, ठीक है। यहाँ गुलाब की वैरायटी की बात करी है तो 875 वैरायटी है रोजेस की। 875 पूरी एशिया में कहीं पे भी नहीं है इतनी वैरायटी यहाँ पे है। और पर अभी थोड़ा सीजन ऑफ है, अभी आप अंदर जाओगे बहुत अच्छा गार्डन है। मैंने कहीं सुना था YouTube पे वीडियो में कि वो फेब में रोजेस निकलते हैं, उससे पहले नहीं निकलते, ऐसा कुछ है। जनवरी और फरवरी और मार्च 3 महीने बहुत अच्छे गुलाब होते हैं। 3 महीने प्रॉपर सीजन रहता है इसका। गलत टाइम पे आ गए हम लोग। बाकी यहाँ पे तो फाउंटेन है, म्यूजिकल फाउंटेन है, तो वो शाम को ऑन होते हैं 5:30 बजे। और बाकी फाउंटेन किस तरफ है? फाउंटेन ये सामने ही है, वो सामने ऑन नहीं है, ठीक है। बस यही है Rose Garden। नहीं कितना बड़ा है, क्या क्या चीज़ें है? 40 एकड़ में है। अच्छा भाई, कितना लंबा है, मतलब कितनी दूर है? एक राउंड इसका 2 किलोमीटर है। अच्छा जी, देख रहे हो 2 किलोमीटर। शाम को यहाँ बहुत क्राउड होता है, बहुत भीड़ होती है, लोकल भी होते हैं, टूरिस्ट भी होते हैं, वॉक करने के लिए, सैर करने के लिए, साफ सफाई बहुत होती है। हमारा जैसे दिल्ली में Lodi Garden है तो मुझे वो वाली वाइब दे रहा है, बना बहुत अच्छा है। यहाँ पे 150 तो माली है जो इसको ऑपरेट करते हैं ना। अच्छा मुझे बताओ, एंट्री यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे पार्किंग फ्री है, तो फिर मेंटेनेंस कैसे कर रहे हो रही है यहाँ पे? ये सब गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कर रही है, हमारी गवर्नमेंट भी कुछ कर ले तो अच्छी बात हो जाएगी। हमारे जो Lodi Garden है ना, यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं भी गड्ढा वड्ढा वहीं बताता हूँ, तो वहाँ जब जाता हूँ तो वहाँ पे पहले लाइटें वाइटें कुछ नहीं थी मॉन्यूमेंट में, फिर उन्होंने लाइटें लगा दी और लाइटें मुश्किल से सर आधा घंटा खुलती है फिर बंद। नहीं यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा है। नहीं यहाँ अभी देखने में अच्छा लग रहा है, आप देखो ग्रीनरी कितनी है,
और कितनी ऑक्सीजन मिलेगी? सबसे ज्यादा पेड़ अगर नहीं है तो चंडीगढ़ में मेरे को लगता है। नहीं फैक्ट है सबसे ज्यादा पेड़ है। तो अंदर मुझे क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? तो फाउंटेन बताया आपने, और आपको तो फाउंटेन मिलेंगे और अच्छा है, आप जाओ घूमते हुए आपको अच्छा लगेगा। अरे कुछ ऐसी चीज तो बता दो जो मैं देखूंगा वो कहीं छूट नहीं गई हूँ मुझसे। ऐसी कोई चीज तो बताओ जो मुझसे छूटे ना। तो रुको जरा, सबर करो, मतलब अभी बता दो। ऐसी तो बता दो उसके उधर शांति कुछ ज्यादा कपल वगैरह बैठे हैं उधर, और अच्छा है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभाल। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। एक बाबा एक बार लोधेगाड़ा में कपल बैठे हुए थे, लोधेगाड़ा में नहीं राजे चौक में, तो अब मुझे चुल थी सुखद बचपना था ना परेशान करने की, तो मैं जाता था, मैं कहता भैया बात सुनना, काम पे लगे वो, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, लग जाओ। इस तरह करके उनको डाइवर्ट करता था। बहुत पहले ये गार्डन बहुत अच्छा, आप जाओ और सब बहुत सुंदर है। ये ऐसा कुछ करोगे कपल नजर नहीं आया मुझे मेरे ब्लॉग के अंदर, उन्हें मेरा ब्लॉग अडल्ट वाला हो जाएगा। नहीं अडल्ट ब्लॉग नहीं चाहिए, बच्चे भी देखते हैं भाई। कोई कपल नहीं मिलेगा, ओनली फैमिली मिलेगी रोज गार्डन में, फैमिली है कपल्स वगैरह जा रहे हैं। हरियाणवी में बोल दीजिए ना, चंडीगढ़ की जो भाषा होती है उसमें। क्या बोलते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को। सब्सक्राइब। हाँ आप ठीक बोले, बस ये बात है। थैंक यू, मैं अब देखता हूँ अंदर, कुछ दिक्कत होती है तो आपको फिर परेशान करूंगा। चलो गाइस अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। एक तो बता दे फाउंटेन है, फाउंटेन तो कैप्चर करना ही करना है, और भी देखेंगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो बनावट काफी अच्छी है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा बना रखा है, नो डाउट अबाउट इट। व्यू देखो गाइस, व्यू ये पूरा व्यू जो है ना इस तरह का है, जैसे लोधी गार्डन में जब हम वॉक करते हैं तो आगे तक जाते हैं तो ऐसा पूरा बना हुआ आता है ना, पेड़ों से ढका हुआ, हट ही कहूँगा मैं इसको, एक पत्तों से ढका हुआ हट, जिसकी लुक काफी अच्छी आ रही है। बाकी तो अभी कहीं बीच में चलते हैं, और ड्रोन शॉट तो मैं यहाँ का जरूर लूंगा, क्योंकि ग्रीनरी है, और ग्रीनरी हो उसमें ड्रोन शॉट ना हो, व्यू अच्छा ना है, एंगल अच्छा ना हो, तो फिर क्या ही मजा आएगा। तो चलते हैं अच्छी जगह पे, ड्रोन शॉट लेते हैं, ठीक है ना, और फिर आपको बताते हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है, अब यहाँ जाएंगे अंधेरा हो जाएगा, अब थोड़ा सा डार्क हो गया, ऐसा ऐसा जाएंगे तो फिर वही उजाला आ जाएगा। लेकिन इसमें भी देखो कितनी प्यारी क्वालिटी आ रही है, लाइक सीरियसली। अब चलते हैं, अच्छे अच्छे कोई फ्लावर्स नज़र आएंगे तो वो दिखाएंगे आपको। मुझे यहाँ पे एक लोकल और मिले हैं, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो है वो फेस्टिवल्स भी होते हैं, रोज़ फेस्टिवल कह रहे हैं ना, तो उसमें भी काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। उसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे कि गेम्स, किस टाइप के गेम्स होता है, फिर तभी होता है। अच्छा जी, मॉडलिंग भी होती है, ओह नाइस यार, तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो ये भाई हैं, अपना नाम बता दीजिए एक बार, थोड़ा लाउड बोलिएगा भाई, क्या लगा हुआ है। तो सुखदीप भाई हैं, और भाई आप जसविंदर भाई हैं, आप गुरप्रीत सिंह। तो इन्होंने मुझे थोड़ा सा नॉलेज दी है कि यहाँ पे फंक्शंस होते काफी तरीके से, काफी तरह के। हाँ फरवरी में होता है, मैं गलत टाइम पे आ गया, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। फरवरी में होता है, सिर्फ फरवरी में ही होता है। अच्छा जी, शांति कुंज है वो भी पार्क है, इसी के आगे रोड आएगा। हाँ कितना लंबा चलना पड़ेगा, तीन दिन चलता है। चलो भाई चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं, एक बार एक हाथ में पकड़ के हाथ थक गया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। खोलिए यूट्यूब, खोलिए सब्सक्राइब करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल ये तो पूरा फैला हुआ है, कहाँ घूमूंगा मैं, कुछ ही दिखा पाऊंगा आपको, ज्यादा नहीं दिखा सकता मैं आपको, जितना मैं आसानी से दिखा पाऊंगा उतना दिखा दूंगा आपको। जैसे एक मेरे सामने ये
ये भी फ्लावर काफी अच्छा लग रहा है, आगे भी है। चलते हैं, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। अब मैं बैक साइड का कैमरा ऑन रखूंगा, आपको दिखाऊंगा, तो आपको देखना। और ये विंड चाइम्स भी है यहाँ पर, ये देखो विंड चाइम्स। हवा के साथ जो इनकी आवाज आती है ना, नेक्स्ट लेवल है। और ये देखो आप, ये देखो नाइस फ्लावर्स। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पर गाइस। ये देखो वाइट फ्लावर्स, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, लाइक सीरियसली इट्स माइंड ब्लोइंग, मतलब माइंड बॉगलिंग। और आगे देखो सारे रोजेज हैं, तो वो भी आपको मैं ज़रा करीब से दिखाऊंगा, क्योंकि ये है रोज़ गार्डन। और अगर मैंने आपको रोज़ नहीं दिखाया तो फिर रोज़ पछताऊंगा कि मैंने रोज़ क्यों नहीं दिखाया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वाह। तो चला दिखाता हूँ आपको रोज करीब से, और फिर लेंगे एक छोटा सा ड्रोन शॉट। पहले आप ये देखो कितनी प्यारा लग रही है, वो पिंक रोजेस हैं और ये है रेड रोजेस। यहाँ पे तोड़ के आदमी अपने माशुका को दे दे। हैं? नॉटी हो रहा। अगर कोई माशुका हो तो किधर है, किधर है। बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग सीरियसली। अगर मैं फरवरी में आता तो शायद और मुझे खिले हुए नजर आते, क्योंकि सब कह रहे हैं कि फरवरी में जो है, जनवरी फरवरी में ही इसका बेस्ट टाइम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी थोड़ा सा ड्रोन उड़ा के देखते हैं, है ना भाई। ये बहुत बड़ा है पार्क, कितने घूमूंगा मैं, थक गया जाऊँगा पूरा। और अभी तो रॉक गार्डन भी जाना है, तो आप कभी आओ तो पूरा घूमना जरूर, आपको अच्छा लगेगा। बाकी अब ले लेते हैं ड्रोन शॉट। सो गाइस, बस आई गेस इतना ही कुछ है यहाँ पर, और कुछ खास है नहीं। वो एक छोटी सी घाट बनी हुई है, वहाँ पे कपल्स अपना जो भी गंदी चीज़ करते हैं, मैं तो कहूँगा नहीं, आई हेट दिस काइंड ऑफ स्टफ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो वो चीज़ वहाँ पे होती रहती होगी, तो मैं सब जगहों का अवॉइड करूँगा। बाकी कुछ खास तो है नहीं, जैसे लोधी गार्डन है वैसे ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा रोजेस और प्लांट्स थोड़े ज़्यादा हैं, और कुछ खास नहीं है। बस अब प्लान करते हैं रॉक गार्डन जाने का, रॉक गार्डन जो है वहाँ चलते हैं, और बस उसी को एक्सप्लोर करेंगे। वो यहाँ से ज़्यादा दूर पे होगा नहीं, रॉक गार्डन चलते हैं। ठीक है, तो आप चैनल बने रहिए, अब सीधे मिलते हैं रॉक गार्डन में। तो गाइस मैं अभी जा तो रहा था रॉक गार्डन, तो जाते जाते मुझे एक शख्स से मेरा रब्ता हुआ है, वो मेरे पास खुद आए थे, बातचीत हमने थोड़ी बहुत करी। तो ये जो है ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं, मुझसे कहने लगा आप लोकल है, मैंने कहा नहीं भाई मैं घूमने आया हूँ, कहने भाई मैं भी घूमने आया हूँ। ये कुछ शेयर करना चाहते हो जो इनके साथ आप बीती गई है, जो इनके ऊपर बीता गया है, तो देखते हैं क्या चीज़ है क्या है, और पहले इनसे इनका नाम जानते हैं, फिर इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो मुझे पहले अपना नाम बताइए, फिर क्या हुआ आपके साथ वो बताइए। मेरा नाम मलकीर सिद्धू है जी। जी मैं बठिंडा से आया हूँ, वैसे प्रॉपर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, और बठिंडा से आया था यहाँ पे मन्नी माजरा में ना, हाउसिंग बोर्ड है वहाँ पे, रात को सोया था तो मेरी जेब कट गई है। ओहो 15 दिन पहले, अभी पुलिस को इलेक्शन ले रही है, पुलिस बहुत स्लो है काम। अभी पुलिस अच्छी होती है, हरियाणा पुलिस यार, हरियाणा पुलिस 16 दिन हो गए सर, अभी तक कुछ नहीं पता लगा।
लोगों से मैं अपील करूंगा कि वहां ना जाएं भाई, वहां पे चोरी होती है। हाउसिंग बोर्ड में जो सिनेमा है वहां तो बिल्कुल ना जाएं। हाउसिंग बोर्ड में जो सिनेमा है ढिलो सिनेमा है वहां तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उनका स्टाफ ही बेवकूफ था, कोई हेल्प नहीं करता, उल्टा कहते हैं कि यहाँ से जाओ आप पंजाब अपने। जा, चल 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 चल। हमारे हरियाणा पुलिस तो ऐसी करती है। पुलिस ने कोई इलेक्शन नहीं है अभी तक, 16-17 दिन हो गए अभी तो कुछ नहीं मिला। आपने FIR लिखवा दी? हाँ जी, उसकी कॉपी भी दे रहे मेरे को DDR की। कॉपी नहीं दे रहे तो दोबारा FIR करवा दीजिए। नहीं दोबारा नहीं करा सकते ना, मेरे को पता नहीं है। अरे वो सुनवाई नहीं कर रहे थे, आप किसी और का जाके बातचीत करिए। वो ऐसा ना कि एरिया उनका ना, वो अच्छा उसी एरिया की कंप्लेंट लिखते ना, तो अभी तो कुछ नहीं हुआ। वैसे मैं समाज से भी हूँ जी, बठिंडा से, एम्स हॉस्पिटल बठिंडा में। अच्छा, नाइस। तो आप क्या 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 समाज सेवा करते हैं? मेरा खुद का पर्सनल ट्रांसपोर्ट काम है, मेरे भाई साहब कॉन्ट्रैक्टर है। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? ये पत्थर वगैरह करते हैं मेरे भाई साहब। एम्स हॉस्पिटल में जो ग्रेनेड पत्थर लगा था ना, वो भाई साहब ने लगाया था उनके लिए, और बहुत ही कम रेटों में। यही नहीं, अभी और सुनिए। सरकारी हॉस्पिटल था ना इसलिए। तो गाइस मुस्लिम भाई, हम सब दुआ करते हैं कि इनकी चीज़ पे जो इनका जो प्रॉब्लम हुई है उस पर कार्रवाई की जाए, और अगर कोई पुलिस वाले कोई अगर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है जो यहाँ के पुलिस वाले हैं हरियाणा के, तो कि इनका जो मसला है इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया जाए ताकि ऐसे किसी और के साथ ना हो, और अगर जहाँ पर इनका ये हादसा हुआ है वहाँ पर थोड़ी सिक्योरिटी टाइट करी जाए और इस मामले में देखा जाए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। हाँ जी, और कुछ कहना चाहते हैं? और पंजाब में जितने ज़िले हैं सब में मेरी संस्था चलती है। ठीक है, मेरी संस्था का नाम है दाना पानी एम्स हेल्पलाइन बठिंडा। क्या बोला तूने? दाना पानी एम्स, एम्स हेल्पलाइन बठिंडा। हाँ जी, मेरा अपना पर्सनल नंबर है। हाँ जी, 9653162833। तो इस नंबर पे आप 24 घंटे का जब मर्जी फोन कर सकते हैं। ऐसा ना बोलो, फिर परेशान हो जाओगे। सह लेंगे थोड़ा सा? चलिए, आपसे मिलके अच्छा लगा। अब मैं तो अब यहाँ जा रहा हूँ रॉक गार्डन, और वहाँ से 24 घंटे किसी को ब्लड की जरूरत हो, दवाइयों की जरूरत हो, कोई पूर पेशेंट हो, उसका इलाज हम फ्री कराएंगे अपने तरफ से। ठीक है गाइस, कांटेक्ट कर लेना जिसको भी जरूरत होगी। चल बस, तो लायक है क्या, काम करने दे। एक बार नाम और बता दीजिए। नाम बता दीजिए एक बार और। मलकीत सिद्धू मेरा नाम है जी। तो सिद्धू भाई हैं, सिद्धू पाजी। ए गुरु, कैसा लगा मेरा मजाक? तो अपने सिद्धू पाजी, ठीक है ना। तो ठीक है भैया, आपसे मिलकर अच्छा लगा जी। मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मैं ज़रा आपसे माफ़ना चाहता हूँ, मेरे को वहाँ जाना है रॉक गार्डन, वो देखना है। और शुक्रिया लेक जाना, दो जगह बची हैं बस। ठीक है, थैंक यू। गाड़ी पे? गाड़ी पे। हाँ अपनी गाड़ी। बाय। कब जाओगे दिल्ली? दिल्ली कल, ये तो परसों। कहाँ ठहरे यहाँ? यहाँ पे सेक्टर 3। 3 पंचकूला। कौन सा होटल? हॉलीडे। हॉलीडे तो बहुत अच्छा है यार, मैंने घूमा हुआ। अच्छा, वो लंबी सारी बिल्डिंग है ना? हाँ ना, टॉप फ्लोर पे उसके क्लब बना हुआ है। हॉलीडे ना अच्छा है, उसकी काफ़ी ब्रांचेज में दिल्ली में भी है वो। अच्छा है वो, प्रॉपर डांस करते हैं। डील अच्छी आ रही थी, मैंने करवा लिया बुक। क्या बहुत अच्छी, और स्टाफ बहुत है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत नाइस। ऐसा अच्छा ट्रीट भी ऐसे करते हैं कि आदमी को जाने का मन नहीं करता, वहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, जाना ही नहीं हमें, जाना ही नहीं, वही हो रहा है। बाहर निकलने का मन करता है? अरे नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। इतने प्यार से बात करते हैं, इतने तेजी से छोटा आदमी, मतलब आप ये मान के चलो जो इलेक्ट्रिशियन भी अगर कुछ काम करने आएगा ना, सर 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 सर, जो बेडशीट बदलने आएंगे स्टाफ, सर सर सर, मतलब इतनी रिस्पेक्ट। वो तो उनकी रोजी रोटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, तो वो भी सब लोग, गार्ड भी हो या रैले वाले हो, सब डाउन टू अर्थ। मज़ा आ गया ये वाला एक्सपीरियंस अभी तक का, हॉलीडे इनका मेरा बेस्ट था, बेस्ट था। चलिए अंकल, थैंक यू। आपका कार्ड? कार्ड कार्ड वार्ड कुछ नहीं है। हाँ जी, मेरे साथ जा रहे हैं रॉक गार्डन। अरे यार, हाँ फंस गया। चलो क्या कर सकते हैं, इंसानियत भी एक चीज़ है, तो वो क्या कर सकते हैं। वो तो कह रहे थे कहीं और जाने के लिए, मैंने कहा नहीं, मैं तो रॉक गार्डन जा रहा हूँ, लेकिन तब भी चलो क्या कर सकते हैं, आ रहे हैं पीछे आ रहे हैं। तो और पाजी, बढ़िया बढ़िया जी बढ़िया। आपका कितने दिन के लिए आए हो? मेरे को तो भाई महीना होने वाला, भी
महीना आने वाला है? हाँ जी, 3 तारीख को आया था। अच्छा जी, शिमला भी घुमाया? शिमला घुमाया, प्रॉपर शिमला नहीं गया, सोलन गया था। अच्छा जी, शिमला गया था लेकिन थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो वापस आ गया। कह रहे सर जी वाले कपड़े चोरी हो गए ना? मैं शिमला भी मतलब खुद नहीं गया, ऐसे फैमिली के साथ गया हुआ हूँ, खुद ही नहीं गया क्योंकि हिली एरिया है ना, तो उसी थोड़ा सेफ्टी वजह से मैं गया नहीं। मैं जो चंडीगढ़ तक ट्रिप रखते हैं। अरे वो ट्रेन पे जाना, वो कालका शिमला जाती है ना पहाड़ चढ़ती है। हाँ फिर हमें यार आता है। चलो गाइस चलते हैं। A few moments later. Guys, आप सोच रहे होंगे वो सरदार जी क्यों नहीं है साथ। वो तो आने के लिए उत्सुक थे, लेकिन किसी भी अनजान आदमी को ऐसे गाड़ी में नहीं बिठाना चाहिए, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका करीबी क्यों ना हो, मतलब करीबी इन द सेंस कि आपका कोई बहुत टाइम बाद मिला हो और उसको भी आप बिठा रहे हो, तो भी सोच के बैठो। कहने का मतलब मेरा ये है, और ये स्ट्रेंजर ना इसको मैं जानता हूँ ना कुछ जानता हूँ, हाई हेलो हुई है और फिर बातचीत हुई है, और फिर वो मेरे साथ जाएगा, उसका बटुआ वैसे ही मर गया था, कहीं मेरा बटुआ मार लेता ही कुछ, मतलब कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए पहले तो मैंने हाँ में हाँ कर दी, उसके बाद मैंने प्रटेंड किया कि मुझे मेरे होटल से कॉल आया है कि मेरा पावर बैंक खो गया था, वो मिल गया है, तो मुझे पहले फ़ौरन जाना है, उसको जो है मुझे सही करना है, उसको सही जगह पे रखना है, मैं आपको लेके नहीं जा सकता। तो इस तरीके से मैं थोड़ा बात को घुमाया फिराया, मैंने उनसे कहा कि भाई होटल वाले का फ़ोन आया मेरे पास, मैंने प्रटेंड भी किया कि मैं कॉल पर बात कर रहा हूँ, मैंने कहा मैम नहीं, मैं तो रोज़ गार्डन जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने पास ही रख लो। तो इस तरीके से मैंने बात बना के मैंने फिर कहा, उन भैया को बताया कि मैम कह रही नहीं अभी को हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, आपकी चीज़ है, आप पहले आके इसको अपनी चीज़ को आप संभालिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है आप चले जाइए। ये मैंने उस सरदार जी को बताया, तो कहना था ठीक है। तो पता नहीं उस शायद उसको लगाओ कि मैं बहाना मार रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे कैसी कुछ भी करके अनजान आदमी को नहीं बिठाना था, क्योंकि ये रिस्क मैं नहीं ले सकता एज अ मैं सोलो ट्रैवलर। तो आपके साथ भी कभी अगर ऐसा हो तो किसी को भी आपको साथ में नहीं बिठाना, अनटिल एंड अनलेस आप उस पर पूरा ट्रस्ट करते हो या पूरा फेथ हो। तो अब कोई भी ऐसे रैंडम बंदे को थोड़ा ना कर सकता कि एक बार मिला और बिठा लिया। तो कभी भी गाइस ये सब चीज़ें मत करना, क्योंकि कभी कभार वो ये चीज़ें रिस्की भी हो जाती हैं, तो इससे बेहतर है कि आदमी उस चीज़ को अवॉइड करे, ठीक है। किसी भी स्ट्रेंजर को जो है नहीं बिठाना कभी भी, कहीं भी जा रहे हो आप, स्पेशली सोलो जा रहे हो तो कभी भी स्ट्रेंजर को नहीं बिठाना। खैर लेट्स चेंज द टॉपिक, अब मैं जा रहा हूँ रोज़ गार्डन। किलोमीटर दूर है मेरे अभी लोकेशन से। अब गलत आ गए, बैक साइड पे आ गए। गाइस पहुंच गया हूं मैं रॉक गार्डन। गाइस यहां से हम एंट्री होगी, ये बंद कर रखा है, खटकों से बना ये। सो गाइस ये है द एपिक लुक। अभी जा रहा हूं सेक्टर 17।